हेलो फ्रेंड्स एंड फैमिली, नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग? होप यू आर डूइंग वेल। सबसे पहले तो थैंक यू 200 सब्सक्राइबर्स के लिए। और आज हम लोग जाएंगे आसनसोल वाटर पार्क, क्योंकि ये देखिए धूप देख लीजिए जरा सा आप लोग, गर्मी अभी भी ख़त्म हुआ नहीं है। तो 50 किलोमीटर्स है हमारे यहाँ से आसनसोल। उसके बाद चलिए मज़े लेते हैं वाटर पार्क के, लेट्स गो। हाँ, और एक यूनिक बात है आज की, आज हम लोग बस से ट्रैवल करेंगे फ्रेंड्स। फ्रेंड्स निकल चुके हैं हम बाइक से अभी बस स्टैंड जाने के लिए। रघुनाथपुर बस स्टैंड जाएंगे सबसे पहले, फिर वहां से बाई बस हम लोग चलेंगे आसनसोल। लेट्स गो। सो फ्रेंड्स आ चुके हैं हम रघुनाथपुर बस स्टैंड। ये देखिए रितेश भाई की चाय की दुकान, यहाँ की रघुनाथपुर में फेमस है इसका चाय। और अभी और 10 मिनट के बाद ही बस है, बस से चलेंगे हम लोग। सो फ्रेंड्स काफ़ी इंतज़ार के बाद आया है बस, 10:10 का बस था, अप्रॉक्सीमेटली 11 बज चुका है अभी। बस का यात्रा शुरू हुआ है हमारा, एक घंटे लगेंगे अप्रॉक्सीमेटली। आधे घंटे का सफ़र ही अभी तक हो पाया, बस जो है यहाँ पे ख़राब हो गया है और आधे घंटे का सफ़र अभी भी बाकी है हमारा। अब देखिए हॉर्न ख़राब था बस का, ये देखिए वो ठीक हो रहा है। पहले ही बस वैसे ही लेट था, इसके बाद और यहाँ 20-25 मिनट और लॉस हो गया। तो चलिए होप फॉर द बेस्ट, जल्दी पहुँचते हैं पहले। फ्रेंड्स जिस बस से अभी हम आ रहे थे, ये देखिए ये पूरा ब्लॉक हो चुका है और जाम लग गया है ट्रक्स, क्योंकि लेफ्ट साइड में ये सारे ट्रक्स खड़े हैं देखिए, और रास्ता बिल्कुल जाम है। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं पैदल कुछ दूर चल लेता हूँ, 1 किलोमीटर जाना होगा और मुझे पैदल, इसके बाद वहाँ से ऑटो पकड़ के फिर वाटर पार्क चलेंगे। चलिए तो फ्रेंड्स फाइनली पहुँच चुके हैं हम लोग आसनसोल वाटर पार्क। दोस्तों स्वागत है सभी का पनोरमा वाटर पार्क आसनसोल में। ये दोस्तों पनोरमा कंट्री क्लब और रिसॉर्ट्स का एक हिस्सा है। यहाँ पे आपको डिलक्स एसी रूम्स के साथ मल्टी कुशन रेस्टोरेंट्स और जिम जैसी सुविधाएं भी मिलेंगी। इसके अलावा एसी बैंक्वेट हॉल और 2 पार्टी लॉन्स भी है यहाँ पे। अगर रूम्स की रेट्स की बात करें यहाँ पे, तो 2500 से शुरू होकर ये 7000 तक आपको यहाँ रूम्स देखने को मिलेंगी। और यहाँ पहुँचने के लिए आपको आसनसोल रेलवे स्टेशन से 15 किलोमीटर की जो दूरी है उसको तय करनी है।
तो फ्रेंड्स हो चुकी है हमारी एंट्री वाटर राइड्स के लिए। एंट्री तो वैसे 100 रुपीज़ है, लेकिन अगर वाटर राइड्स चाहिए तो 500 एक्स्ट्रा, यानी एंट्री हो गई 600। इसके अलावा अगर ड्राई राइड्स भी करने हैं तो और 100, यानी एंट्री टोटल है 700 रुपीज़ इस पार्क के लिए। वाटर राइड खत्म। खास तो कुछ था नहीं, दो या तीन ही राइड्स थे वैसे।
इसके बाद हम लोग चलेंगे ड्राई राइड्स में, देखते हैं गोस्ट हाउस भी एक है यहाँ पे, वो सब दिखाते हैं आप लोगों को। चलिए लेट्स गो। इसके बाद फ्रेंड्स ये फेरी व्हील था बट ये फिलहाल आउट ऑफ ऑर्डर है, मैक्सिमम जो भी राइड्स हैं यहाँ तो आउट ऑफ ऑर्डर ही दिख रहे हैं मुझे। ये कैरोसेल भी खराब। चलेंगे फ्रेंड्स पनोरमा एक्सप्रेस में चाचा के साथ। फ्रेंड्स आ चुके हैं हम घोस्ट हाउस में, ये देखिए, देखते हैं डर लगता है या नहीं। घोस्ट हाउस में दोस्तों देखने लायक कुछ भी नहीं था, डर तो बिल्कुल भी नहीं लगा। फ्रेंड्स अभी जो आप लोगों ने देखा ये आसनसोल का पनोरमा वाटर पार्क का रिव्यू की बात करूं तो बहुत अच्छा है नहीं, क्योंकि 600 सिर्फ वाटर राइड्स के लिए एंट्री है और अगर ड्राई राइड्स भी करना चाहेंगे तो 100 एक्स्ट्रा यानी 700 एंट्री। इसके बाद अगर राइड्स आप सारा करना चाहेंगे वाटर राइड्स तो सारा क्या बोलो, इसमें तो तीन ही राइड्स है फ्रेंड्स, उसमें से दो राइड्स आप कर पाएंगे और एक राइड ऐसा है जिसमें आपको ट्यूब लेके जाना होगा, जिस ट्यूब का इन्होंने अलग से कॉस्ट डाला है 50 या 60 रुपीज़, उसके लिए अलग से आपको पे करने होंगे। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा बट ड्राई राइड्स अच्छे थे। अगर वीडियो अच्छा लगे आप लोगों को तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगली वीडियो का वेट करिए। तब तक के लिए बाय बाय टाटा।